है गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से हमारे बहुत सारे व्यूअर जो कि एक फिल्म मेकर हैं या फिर फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो दोनों लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि टॉप 5 कैमराज के बारे में जो कि बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में आगे आने वाले साल 2020 में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो कैमराज हैं वो नेटफ्लिक्स द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं नेटफ्लिक्स द्वारा अप्रूव होने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी नेटफ्लिक्स जो है वो ट्रेडिशनल हमारे सिनेमा हॉल्स की तरह नहीं है कि आप यहाँ पर जो अपनी मूवी है या फिर आपकी वेब सीरीज है वो या फिर शॉर्ट फिल्म है जो कि आप यहाँ पर फुल HD या फिर SD में रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम 4K की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स वालों ने कुछ अपने अप्रूव्ड कैमराज के बारे की लिस्ट जारी की है। देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने अंडर 2 लाख कैमरा की जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिसकी डायनेमिक रेंज 13 स्टॉप है, ब्लैक मैजिक का पॉकेट सिनेमा कैमरा, ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगर आप लो बजट में कोई फीचर फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो ब्लैक मैजिक को आप कंसीडर कर सकते हैं, या यह कैनन के जो DSLR या फिर जो सोनी के DSLR हैं उनसे बहुत ही अलग है। ये सिनेमा कैमरा है, इससे आप बहुत ही अच्छी मूवी क्रिएट कर सकते हैं। और जो कि ये ब्लैक मैजिक का कैमरा है और इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी पाएंगे वो भी 4K रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पर अगर हम मिड बजट कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनका जिक्र आता है, जैसे कैनन का हो गया, सोनी का हो गया, ब्लैक मैजिक का हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा कैमरा है वो कैनन का C700 है, जिसकी डायनेमिक रेंज 15 स्टॉप है, जो कि 40 से 45 लाख के बीच आपको पड़ जाएगा। और इसका सीधा कंपटीटर है सोनी सिने अल्टा और ब्लैक मैजिक उर्सा। और यहीं पर अगर हम बात करें प्रोफेशनल कैमरा जो कि हमारे मूवीज़ में यूज होते हैं, बॉलीवुड में मूवीज़ बनाने में यूज होते हैं, तो यहाँ पर एरी का नाम कुछ ज़्यादा ही फेमस है। लेकिन उसी के साथ रेड भी अब अपने जो इन्होंने मॉडल्स निकाले हैं जो नए कैमराज के, उनके साथ फेमस हो रहा है। कुछ जो हमारे कैमरामैन हैं वो उनका भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहला कैमरा जो रेड जिमिनी 5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो लाइट में बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लो लाइट में कोई फीचर फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा रेड हेलियम जो कि 8K के रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिसकी डायनेमिक रेंज 16.5 डायनेमिक है, और ये बहुत ही अच्छी डायनेमिक रेंज है। क्योंकि अगर हम बात करें रेड के साथ, तो रेड के साथ आने के साथ ये सनलाइट या फिर लो लाइट या फिर किसी भी कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी 8K रेजोल्यूशन में। और इसके बाद रेड का मॉन्स्ट्रो आता है जो कि 8K में आता है, उसका रेजोल्यूशन भी 8K है, और ये सुपर प्राइम लेंस के साथ इसमें आप बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी पा सकते हैं। और ये सीधा कम्पीट करता है एरी के एलेक्सा LF के साथ। तो इसका भी प्राइस कुछ अराउंड 1 करोड़ के पास आ जाता है, बॉडी और लेंसेस को मिला के या फिर खाली बॉडी, वो आप अभी करंटली प्राइस के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम अगर बात करें जो कि हमारे बॉलीवुड में ज़्यादा यूज़फुल कैमरा, जिसका बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बहुत ही यूज़ करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो एरी एलेक्सा LF मतलब लार्ज फॉर्मेट। तो ये 4.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, इसकी डायनेमिक रेंज 14 है, लेकिन यह एरी अप्रूव्ड है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे डायनेमिक रेंज इसकी कम है, लेकिन यह एरी अप्रूव्ड होने के कारण इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और इसमें आप सिग्नेचर प्राइम का लेंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप सुपर प्राइम लेंस यूज नहीं कर पाएंगे। इसकी कॉस्ट जो अराउंड है 1.25 करोड़ के आसपास पड़ जाती है, आप करंटली देख सकते हैं अगर आपको या आपके बजट में आता है। तो आपको मैंने 5 कैमराज बताए, इनमें से आपके जो भी बजट में आते हैं आप उन्हें अपना कंसीडर कर सकते हैं, और उन्हीं के साथ आप 2020 में बहुत अच्छी अच्छी फीचर फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म या फिर बजट फिल्म बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कैमरा से कुछ नहीं होता है, आपकी शॉर्ट फिल्म या फिर जो फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज़ है उस पर बहुत अलग अलग चीज़ें मायने रखती हैं, अगर वो एक अच्छी फिल्म आप बनाना चाहते हैं।
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपके कुछ भी काम में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए हमारी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो है वो डायनेमिक रेंज के ऊपर होगा, उसके बाद हम कैमराज के टेक्निकल बातों के बारे में बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में, जैसे शटर एंगल क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, या फिर जो हमारा अपर्चर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के मैं बारे में बात करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।